अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे का बटन दबाकर डाक विभाग के वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैंने पिछली वीडियो 1 अगस्त 2020 को बनाई थी जिसका हेडिंग था बीमे का सुल्तान। मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि मैं अगली दो वीडियो अलग अलग एक RPLI और एक PLI पर बनाऊँगा, इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि आज एक वीडियो पहले RPLI पर बनाऊं, क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए मैं पहली वीडियो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ही बनाऊंगा। RPLI का मतलब होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदी में इसे कहते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा। वैसे तो डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1984 से ही शुरू हो गई थी, परंतु ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत 24 मार्च 1995 से प्रारंभ की गई। लगभग 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब तक भी इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में हर किसी को बीमा ज़रूर करवा लेना चाहिए। बीमा के बिना हमारी ज़िंदगी ऐसी बन जाती है जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के दिन में अंधकार रहता है, ठीक उसी प्रकार बीमा के बिना हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर एक, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए आप पंचायत क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। नंबर दो, आपकी उम्र 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। नंबर तीन, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और आप 10,000 से 50,00,000 तक का बीमा ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अच्छा बीमा है जो आप बेहतरीन फ़ायदा आपको दे सकता है, और ये सरकारी है इसलिए विश्वास भी आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के फायदे, बाज़ार में उपलब्ध बीमा में सबसे कम प्रीमियम और अधिक बोनस देता है। नंबर दो, ग्रामीण जीवन बीमा मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु के दावक को बीमा धन के साथ बोनस भी देता है, जो अन्य बीमा कंपनियां ऐसा नहीं करती। अपने नज़दीक प्रीमियम जमा करने की सुविधा आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि डाकघर का नेटवर्क पूरे भारत में काफ़ी मात्रा में है। नंबर चार, देय प्रीमियम पर आयकर अधिनियम सेंसेक्स 88 के तहत आयकर में छूट मिलती है। नंबर पाँच, प्राकृतिक आपदा के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति के पॉलिसी धारक से 1 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा और पॉलिसी भी खत्म नहीं होती। नंबर छः, पॉलिसी धारक को ऋण सुविधा दे है, अगर आपको ज़रूरत हो गई तो कुछ रुपए ऋण के रूप में आप ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि ग्रामीण डाक जीवन के प्रकार। इस ग्रामीण डाक जीवन के कई प्रकार हैं, जैसे संपूर्ण जीवन बीमा योजना जिसे ग्राम सुरक्षा कहते हैं। नंबर दो, म्यादी जीवन बीमा जिसे ग्राम संतोष कहते हैं। परिवर्तनीय संपूर्ण बीमा जिसे ग्राम सुविधा कहते हैं। अप्रत्याशित म्यादी बीमा योजना जिसे ग्राम सुमंगलम कहते हैं। और नंबर पाँच है ग्राम प्रिया, और नंबर छः है बाल बीमा योजना। वैसे तो सारे ही बीमा अच्छे हैं, परंतु इनमें ग्राम संतोष बंदोबस्ती जो बीमा है वो सबसे अच्छा है। अब बात आती है इसे कहाँ कराएं, और आप अपने नज़दीक के किसी भी शाखा डाकघर में करा सकते हैं। ये गाँव में शाखा डाकघर होते हैं, उनके BPM से आप मिलें और उनसे इस मामले में पूरी जानकारी भी आप ले सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है उम्र की, तो उम्र 18 से और 55 तक होनी चाहिए। फिर बात आती है कि अब मैच्योरिटी कितने दिन में लें, वो आपकी उम्र और लाइबिलिटी पर डिपेंड करती है कि आपको पैसा कब चाहिए, कितने समय तक आप पैसा भर सकते हैं। वो दोनों मिल बैठ के उस BPM के पास एक बुक होती है, उसमें एक स्लैब होती है, उस स्लैब में देख करके आप अपना उससे मिल बैठ करके अपना जो है उम्र कितने दिन तक आपने ये प्रीमियम भरना है वो निर्धारित कर लें। उसके बाद बात आती है किस्त की, तो किस्त भी जो है इसमें 4
तरह से किस्त जमा कर सकते हैं। नंबर एक मासिक किस्त, नंबर दो त्रिमासिक किस्त, नंबर तीन छमासिक किस्त और नंबर चार वार्षिक किस्त। जो आपको अच्छी लगे वो उस टाइम आप करा लें। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान दें, रखें कि इसका एक बॉन्ड आपको बीपीएम से के माध्यम से मिलेगा, जो खाता खुलने के 15-20 दिन के बाद मिल जाना चाहिए। तो उसको आप बीपीएम से लेकर के और उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि जब इसका प्रीमियम पूरा हो जाएगा और इसका जब पैसा मिलेगा तो उस समय इस बॉन्ड की बहुत अति आवश्यकता होगी, इसके बगैर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये है इस डाक जीवन बीमा का, कम प्रीमियम में ज़्यादा लाभ देने का लाभ मिलता है और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीवन को सुलभ भी करता है। यह पॉलिसी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।